आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम मूली गाजर मिर्च का अचार बनाने जा रहे हैं, जो हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसे बनाते हैं। ये हमने दो गाजर, एक मूली बड़ी सी और 8-10 मिर्चें ली हैं, जो हमने धोकर काटकर धूप में एक दिन सुखाई हैं। ये हमने तैयार कर लिया डालने के लिए। ये बिल्कुल सिंपल अचार है, बाज़ार में से तो सब ले कर खाते ही हैं, लेकिन बाज़ार में हमें पता ही नहीं होता है कि उसमें कैसे मसाले हैं, कैसा तेल है, तो हमें कुछ नहीं पता होता, बाज़ार का लिया और खा लिया। लेकिन ये बिल्कुल साधारण, बिल्कुल साफ स्वच्छ, सारे मसाले अपनी आँखों के, सब कुछ अपनी आँखों से देखा हुआ हम डाल कर बनाते हैं, तो ये बिल्कुल ओरिजिनल है। और जैसे घर में खाएंगे तो ये नुकसान भी नहीं देगा, बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छा है। ये हमने 2 चम्मच ऑयल लिया है तेल सरसों का, और ये हमने 3 चम्मच राई लिया है जिसको हमने साफ करके पीस लिया है, और ये 1 चम्मच हमने हल्दी लिया है, 1 चम्मच ही हमने नमक लिया है, तेल हमने ज़्यादा ले लिया है थोड़ा सा, देखते हैं हम कितना लगता है। देखिए राई मैंने ऐसी पीसी है, थोड़ी मोटी ही रखना क्योंकि मोटी का अचार में बहुत टेस्ट आता है। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। ये हमने एक खाली बाउल ले लिया है, इसके अंदर अब ये मूली गाजर और मिर्च जो है ये हम डाल देते हैं। ये हमने सारी इसके अंदर डाल दी है, और अब इसके अंदर हम राई डाल देते हैं। ये जो हमने राई पीस कर रखी हुई थी, ये राई डाल दी है। ये अब हम हल्दी भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और ये नमक भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और अब हम देखते हैं ऑयल हमारा कितना पड़ेगा। ये एक बार आप अपने घर में बना के ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको घर का बना हुआ अचार कैसा लगा। देखिए यह 1/2 चम्मच तेल हमारा बच गया है, हमारा करीबन 1.5 चम्मच तेल यूज़ हुआ है। ये अचार हमारा करीबन 15 दिन के लिए चल जाएगा, ये ताज़ा ताज़ा ही खाया जाता है। आप 1-2 दिन के बाद इसका खाना शुरू कर दें तो ये 1-2 दिन के बाद खाने के लिए तैयार हो जाता है। ये अचार अब हम जार के अंदर डालकर 2 दिन के लिए इसे बंद करके ढक देंगे, 2 दिन के बाद हमारा अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये अचार बहुत आसानी से बन जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बिल्कुल आराम से आसानी से बना सकते हो आप, और खूब इसका जायका ले सकते हो, आनंद ले सकते हो। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को ज्वाइन करना। धन्यवाद, आगे मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ।